हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओवीसी और आप देख रहे हैं बाउंटी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। अभी हम देखेंगे जो एलएनटी का लेटेस्ट रिजल्ट आया है वो कैसा है। बाद में हम चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पे एलएनटी कैसा बिहेव कर रहा है, चार्ट पे आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कौन से इसके सपोर्ट एंड रजिस्टर्स रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पहले हम इस कंपनी का नॉर्मली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बाद में रिजल्ट देखेंगे, बाद में चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो पहले से आप देखिएगा तो सब कुछ आपको बेहतर आइडिया आएगा। तो गुड क्वालिटी की यह कंपनी है, गुड क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, 10.13% है। बाद में आप इसकी नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए, जो है 1.64, जो ये थोड़ी ज्यादा है, लेकिन क्या है कि इस कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा है तो आपको इसमें डेप्थ देखने को मिलेगी। तो एक बात याद रखो कि इसमें आपको डेप्थ ज्यादा देखने को मिल रही है। बाद में प्लेज प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, मतलब इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभी हम इस कंपनी का वैल्यूएशन देख ले तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आप इसकी पी रेशियो देखेंगे तो 19.07% की इसकी पी रेशियो है। बाद में इविट टू इबिटा रेशियो देख लेते जो है 10.91%। बाद में आरओसी देख लेते हो जो है 15.05%। बाद में आरओई देखते जिसमें आपको 15.06% देखने को मिली। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं, जो लेटेस्ट रिजल्ट आया हुआ वो कैसा है वो देखते हैं। अब हम आ चुके इस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर, तो पहले हम लेटेस्ट जो क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे। तो आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, जो ये पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं हम, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आपको नेट सेल्स में 2.59% की एक अपसाइड दिखाई दे रही, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 6.93% की एक डाउनसाइड दिखाई रही, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बाद में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख ले तो जिसमें आपको 0.22% की डाउनसाइड देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात नहीं। अब हम इस कंपनी का ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, था आप इसमें नेट सेल्स देखिएगा तो नेट सेल्स में आपको 1.49% की एक अपसाइड दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में आप इसका नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट में 15.21% की अपसाइड दिखाई दे रही है, जो भी एक अच्छी बात है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखें हम तो 0.16% की एक अपसाइड दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इन सिंपल अगर मैं रिजल्ट मेरे ओर से देखूं तो आपको ना तो इतना ज्यादा बुरा मिल रहा है ना तो इतना ज्यादा बहुत अच्छा मिल रहा है। इन सिंपल एक गुड एंड क्या होता है बैलेंस रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम इस कंपनी के क्या है कि थोड़े टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, कहां से आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, कौन से इसके सपोर्ट रहेंगे, कौन से इसके रेजिस्टेंस रहेंगे। अब हम आ चुके हैं एलएनटी के चार्ट के ऊपर, तो इसमें हम देखते हैं क्या इसके सपोर्ट होंगे, क्या इसके रेजिस्टेंस होंगे, कहां आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो सब। तो अभी हाल फिलहाल की जो प्राइस चल रही है वो है 1326 रुपये। मैं ये लाइव मार्केट में बना रहा हूँ, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो अभी हाल फिलहाल की जो प्राइस है वो है 1326 रुपये। अभी हम इसके देखते हैं, मतलब जहां से ये हमें क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं सपोर्ट के बारे में बात करूंगा। तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा, अगर मैं इधर से देखूं तो अगर मैं पहला सपोर्ट के बारे में बात करूं तो मेरा पहला सपोर्ट होगा ये रेड लाइन जो नीचे बन रही है, पहली रेड लाइन, ये मेरा पहला सपोर्ट होगा जो आ रहा है 1254, मतलब 1250 अप्रोक्स आप मान सकते हो, जो आ रहा है 1250। तो अगर ये नीचे जाके 1250 का लेवल के आसपास से कोई अपसाइड जाने का साइन आपको मिलता है तब आप अपनी वहां लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बोल रहा हूँ वहां, क्योंकि ऑलरेडी आपका चार्ट इतना नीचे आ चुका है, जब निफ्टी अप था तब भी ये नीचे आ रहा था, मतलब इसने अपना डिस्काउंट कर लिया है। तो हो सकता है आपको इधर से या थोड़े डाउनसाइड के बाद आपको एक अपसाइड देखने को मिले। लॉन्ग टर्म की बात करें हम और वन डे का चार्ट है, तो वो सब आपको देख के आपको कई एंट्री या एग्जिट लेना होता है। तो पहला सपोर्ट होगा वो मेरा 1250 के आसपास होगा, अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो मेरा दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 1200 के आसपास, और ये मैंने कहां से लगाया। तो आप देखोगे पिछली 3 बार इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो हो सकता है अगर ये नीचे आए तो 1200 का जो लेवल होगा वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा और इधर से आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको वो सब लाइव चार्ट में देखना पड़ेगा, शायद ऐसा भी होता है कि ये इधर आए ही ना, तो वो आप लाइव चार्ट में देखोगे। अगर आपको चार्ट रीडिंग वगैरह करना आता है, कहां आपके सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि मेरे को इधर से बाय करना है। अगर नहीं पता चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अपने आपको टाइम दो और लर्निंग कर लो,
समझ के बाद में कुछ इसमें इन्वेस्ट या ट्रेडिंग कीजिएगा। तो ये मेरे हो गए सपोर्ट, जो पहला सपोर्ट होगा 1250 का लेवल, दूसरा होगा 1200 का लेवल। अगर मेरे को एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं ये दोनों लेवल के आसपास ही लूंगा, या तो मैं वेट करूंगा प्रॉपर जो इसका हाई है हाल फिलहाल का, वो ब्रेक होने के बाद ही मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता हूँ, नो डाउट, क्योंकि अभी मार्केट ही थोड़ा करेक्शन के मूड में है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगर मेरे को ये लेवल के प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाता है, जो आता है आपको 1350 के आसपास, अगर इसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होकर ये अपर चला जाता है, तब मैं इसमें पर्सनली बाइंग करूंगा, अगर मेरे को इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना हो तब की बात है। और अभी हाल फिलहाल देखे तो आपको एक सपोर्ट लाइन से इस सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ये थोड़ी सी छोटी सपोर्ट लाइन है, लेकिन आप इसे बोल सकते हो कि अपनी जो ये सपोर्ट लाइन है उस पे ही सपोर्ट लेके अभी हाल फिलहाल ऊपर जा रहा है। और देखे तो एक ट्रायंगल जैसा भी इसने बना दिया, लेकिन प्रॉपर अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, पूरी ये कैंडल को फिनिश होने दीजिए। प्रॉपर अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तब भी आप इसमें क्या है कि इस कैंडल के हाई, जो भी इसका हाई होगा, उसको हाई को ब्रेक नेक्स्ट डे करेगा, मतलब कल ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है प्रॉपर तरीके से, तब भी आप इसमें पोजिशनल के लिए एंट्री लगा सकते हो। अगर पोजिशनल आपने एंट्री लिया तो आपका पहला स्टॉप लॉस होगा ये, मतलब जो इसका लास्ट लो है इसके नीचे, और बाद में होगा 1200 के नीचे। तो ये आप क्या है कि एक प्लान के साथ जाओ अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक आइडिया आता है कि मैं कहाँ से एंट्री होऊंगा, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा, कहाँ मेरा प्रॉफिट बुकिंग होगा, वो सब वगैरह। तो ये हो गए हमारे सपोर्ट के बारे में बात। अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस देखूँ तो मेरा पहला रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा ये ग्रीन लाइन जो ऊपर जा रही है। अगर ये ऊपर जाके इस ग्रीन लाइन के आसपास से ये नीचे आने का कोई साइन देता है, तब आप इसमें अपनी क्या है कि अगर ट्रेडिंग में कर रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या तो शॉर्ट में आ सकते हो, अगर आपको सही लगे तब की बात है ये। अगर मैं इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा ये लाइन होगी जो आपके फॉलिंग लाइन मिल रही है, मतलब फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, ये ब्लू कलर की। अगर ये ऊपर जाके इस लाइन के आसपास से फिर से कोई नीचे जाने का सिग्नल देता है तो आप वहां अपनी प्रॉफिट बुकिंग या क्या है कि शॉर्ट सेल कर सकते हो। लेकिन जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी जो मेरे प्रॉपर में एक लेवल के साथ बोल सकूं कि ये मेरा रेजिस्टेंस होगा, तो वो होगा 1500 का लेवल, जो ये लाइन है। अगर ये 1500 के लेवल के आसपास से कोई रिवर्सल साइन देता है तब आप अपनी वहां प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट सेल में आ सकते हो। अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो जो मेरा आखिरी एंड लास्ट रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, तो वो ऑल टाइम हाई होगा जो ये है, तो वो कौन सा है, तो वो है 1598, मतलब 1600 ही गिनो, जो 1600 का लेवल होगा वो मेरे लिए आखिरी एंड फाइनल रेजिस्टेंस होगा एलएनटी में। और एक बात और है, अगर ये आपको थोड़ी सी अपसाइड जाने के बाद ये 200 पे भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आता हुआ दिखे तो आप इसको क्या है कि मान सकते हो कि नहीं, इधर से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, या तो वहां प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो 200 की लाइन इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी आपको इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। आप देखिए एक बार इधर इसने क्या किया था, नीचे आया सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखा, बाद में एक बार इधर भी, तो मतलब 200 की लाइन आपको कभी कभी बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस दे देती है, तो उस पे भी देखो कि वहां पे कुछ हो रहा नहीं हो रहा वो सब। तो दोस्तों ये था हमारी ओर से एलएनटी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या आप कर सकते हो एलएनटी में, देखिए अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो। अगर कुछ आइडिया मिलता है आपको बाइंग या सेलिंग का तभी बाइंग कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा बोल दिया कि एलएनटी अभी अच्छा दिख रहा है, इस लेवल पे आप बाय कर सकते हो, इस लेवल पे सेल कर सकते हो, तो वो लेवल पे आपको देखना पड़ता है, आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ती है, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेकर आएंगे, तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।